आने वाले समय पे डायमंड से ज्यादा क्वाइन की वैल्यू होने वाली है, क्योंकि गाइस आप लोग को पता होगा अभी के समय पे कैरेक्टर के बंडल्स, यहाँ तक कि बहुत सारे रॉयल्स भी अभी सिर्फ डायमंड की जगह क्वाइन में आते हैं। लेकिन आज मैं आप लोग को एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि 0.1% लोग को भी सही से नहीं पता है। कुछ ही घंटों में 10,000, 20,000, यहाँ तक कि 1,00,000 तक क्वाइन कमा सकते हो आप लोग। लेकिन आपको ट्रिक को अच्छे से फॉलो करना होगा, और मुझे भी, क्योंकि भाई फेफड़े से बुरा लगता है यार। तो हम लोग 3 मिलियन के बहुत करीब आ चुके हैं और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कंजूस हो, कर दो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो मेरे भाई। फिफ्थ नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं टीजर बॉक्स के बारे में। गाइस आप लोगों को पता होगा कि गेम में हम लोगों को डेली ये बॉक्स फ्री मिलता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं इसको ओपन करो तो क्वाइन मिलेगा आप लोगों को सिर्फ। भाई देखो यहां पे करना क्या है, सिंपली आपको गेम में जाना है, वहां पे जाने के बाद ना आपको उसको क्लेम करना है एंड उसको ओपन नहीं करना है, ठीक है। और आने वाले 1 साल तक डेली आपको उसको क्लेम करते रहना है। अब देखो इसका फायदा क्या है, बेसिकली इसके अंदर से ना 95% चांस होता है कि आप लोगों का क्वाइन निकलेगा। अब देखो हो सकता है कि आप 1-2 खोलोगे तो उसके अंदर से ना निकले जल्दी, लेकिन अगर आप उसको एक अच्छी मात्रा में कलेक्ट करते एंड उसके बाद एक साथ सारों को ओपन करते हो, मुझे पता है बहुत लोग के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगा, तो भाई जाओ उसको ओपन करो अगर वो बहुत ज्यादा हो गया है तो। जरूरी नहीं है कि 1 साल, उससे ज्यादा भी आप रख सकते हो, ठीक है। और हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, आप लोग को इवेंट पे हमेशा जाते रहना है। वहां पे जाने से क्या होगा, बेसिकली गाइस आप लोग गेम खेलते हो, आप लोग भूल जाते हो इवेंट पे जाना। तो जब भी आप लोग इवेंट्स पे जाओगे तो देखना वहां पे फ्री फायर हर दिन कोई ना कोई नया इवेंट लाता रहता है, तो वहां पे कॉइंस मिल जाते 1,500 ऐसे ही गेम खेलने के, ठीक है। तो उसको भी क्लेम कर लिया करो। और हाँ आप लोग ना अपने कपड़े लत्ते को डाउनलोड करके रखा करो, क्योंकि गाइस जैसे ही आप लोग अपने कपड़े लत्ते वाले सेक्शन पे जाओगे, आई मीन डाउनलोड वाले सेक्शन पे, तो वहां पे देखना कि वहां पे एक गिफ्ट वाला ऑप्शन बना होगा, जस्ट क्लिक करना उस पे और आपको 1,500 कॉइन मिल जाएगा, ठीक है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, सेटिंग से भी आप लोग कॉइन ले सकते हो। सेटिंग पे जाना एंड वहां पे जाने के बाद देखना गाइस कि अगर आपका अकाउंट गूगल या फेसबुक से कनेक्ट नहीं हुआ है तो वहां पे बाइंड कर देना उसको, और उसके भी आपको प्रॉफिट मिलता है, मतलब वहां से भी आप कॉइन ले सकते हो। फोर्थ नंबर पे गाइस आप लोग को पता होगा कि अभी के समय पे ना जब भी हम लोग गेम खेलते हैं ना, तो वहां पे जैसे लॉबी आता है वहां पे एक मारधाड़ स्टार्ट होता है, लिटरली एक दूसरे से लोग फायरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन वहां पे आपको फायर नहीं करना है, उनकी तरह नहीं बनना है, आपको एक अलग इंसान बनना है, ठीक है। मतलब वहां पे आपको एक बॉक्स मिलेगा, सिंपली उस बॉक्स को आपको तोड़ना होता है। वहां पे बहुत लोग होते हैं उसको तोड़ के अपना इनाम ले लेते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं लेते हैं। अब आप सोच रहे होगे इनाम कैसा भाई, देखो गाइस वहां पे ना आप लोग को बहुत ज्यादा कॉइन मिलता है, लिटरली भाई मुझे 100-200 कॉइन भी वहां से मिला हुआ है। लेकिन आप लोग करना क्या है, सिंपली वहां पे जैसे जाओगे ना तो आपको ध्यान नहीं देना है बाकी चीजों में, समय खत्म होने से पहले ही ना वहां पे जाकर के एयर ड्रॉप को फोड़ने लगना है, ठीक है। उस एयर ड्रॉप के अंदर गाइस आपको डेफिनेटली कॉइन मिलेगा, मेरे से लिख के लो, क्योंकि गाइस वहां पे कभी कभी होता है कि कुछ और मिलता है, वरना हमेशा तो कॉइन ही मिलता है। अभी आप लोगों को लग रहा है बस हो गया, नहीं भाई अभी और एक तरीका है जिसके वजह से आप लोग और भी ज्यादा कॉइन ले सकते हो लॉबी के अंदर। देखो करना क्या है, बेसिकली गाइस आप लोगों को पता होगा पहले डायमंड ट्री आता था, अब वो कॉइन ट्री बन चुका है। हां गाइस फ्री फायर ने उसको एकदम मरम्मत कर दिया, उसको तोड़ मोड़ दिया है, अब उसमें से डायमंड निकलता ही नहीं है यार, लिटरली भाई। मतलब इतना अच्छा लगता था पहले, सिर्फ डायमंड मिला करता था, लेकिन अब फ्री फायर ने उस चीज को पूरा हटा दिया है। अगर आप लोग के पास कोई भी डायमंड ट्री पड़ा हुआ है, देख लेना आप लोग के पास कोई ना कोई पड़ा होगा, और अगर आपके पास नहीं है तो अपने दोस्त से बोलना भाई उसके पास होगा, तो उसको ले जाकर के आप सीधे डायमंड ट्री लगाना लॉबी के अंदर एंड उसके बाद भाई उसके अंदर से कॉइन लेना, 50, 100, 200, 500 तो कॉइन वहां से मिल ही जाता है। तो आप लोग इसी तरह से कॉइन इकट्ठे कर सकते हो। और भी थर्ड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं भाई, देखो आप लोग को पता होगा गाइस कि हम लोग रैंक पुश करते रहते हैं, जब भी नया रैंक आता है तो सीधे रैंक पुश करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग गोल्ड या प्लेटिनम पे जाते हैं वहीं पे रैंक पुश करना बंद कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, क्योंकि भाई इसके अंदर 20,000 कॉइन छुपा हुआ है। देखो करना क्या है, जैसे ही नया रैंक सीजन आएगा सीएस या बीआर में, आपको सीधे डायमंड 4 तक जाना है। अब यहां पे डायमंड 4 तक ही क्यों जाना है, क्योंकि भाई वहीं तक फ्री फायर हम लोग को कॉइंस देता है। देखो 7,000 कॉइन मिलता है हम लोग को सीएस के अंदर डायमंड 4 तक जाने पे एंड बीआर के अंदर 7,100, और इस तरीके से आप लोग 14,100 कॉइन इजीली कमा सकते हो। देखो ये बहुत इजी है, डायमंड 4 तक हर कोई जा सकता है, हीरोइक तक थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डायमंड 4 तक तो इजी है मेरे भाई, ठीक है। एंड गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग इससे ज्यादा भी कॉइन ले सकते हो इसी मैच के दौरान, अगर आप लोगों का कोई कैरेक्टर एलीट मैक्स नहीं हुआ है, जैसे कि कैली, एंड्रियो, हयातो। एंड जैसे ही आप लोग इसको लोगे उसके अंदर से भी आप लोगों को क्वाइन मिलता है। आप कैसे मिलता है, देखो क्या होता है ना, आपको इलीट सेक्शन में जाना है जो कि आपका मैक्स नहीं हो, वहां पे भी भाई आपको 300-400 हजार तक क्वाइन तो इजी मिल ही जाता है हर एक कैरेक्टर में। सेकंड नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं जो मैंने आपको अभी तक बताया है। हाँ गाइस जितनी भी ट्रिक मैंने आपको बताई है ना, उन सब में जितने भी क्वाइन आप लोग को मिलेंगे वो सभी डबल हो जाएंगे, लेकिन इस ट्रिक को करने के बाद। देखो गाइस करना क्या है, बेसिकली अभी बस शायद आपको ही पता होगा कि सीएस में ज्यादा क्वाइन नहीं मिलता है हम लोग जब गेम खेल के बुया करके आते हैं तो, लेकिन बीआर के अंदर बहुत मिलता है भाई। बीआर के अंदर 400-500 क्वाइन आपको मिल ही जाएगा इजीली अगर आप लोग एक बुया करके आते हो। अब आप लोग इसको डबल कर सकते हो बडी टोकन से। देखो गाइस आप लोग को बडी टोकन वाले सेक्शन में जाना है, वहां पे जहां पे रिडीम होता है, वहां पे जाने के बाद ना आपको मिलेगा यहां पे 50% गोल्ड कार्ड, ठीक है, इसको खरीद लेना है याद से। अब देखो इसके फायदे सिर्फ बीआर के अंदर नहीं है, अगर आप लोग लॉन वुल्फ खेल रहे हो या फिर सीएस खेल रहे हो उसके अंदर से भी आपको डबल डबल कॉइंस मिलेंगे, मतलब कि अगर जहां 400 मिलना चाहिए वहां पे 700-800 मिलेगा, 1,000 मिलेगा। तो
गाइस आप लोग, मैं तो बोलूंगा सबसे बेस्ट होता है गाइस लोन वुल्फ, उसके अंदर से भी आपको 300-400 कॉइन मिल जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा, या फिर सीएस नहीं खेल सकते, या बीआर नहीं खेल सकते, आपके पास दोस्त नहीं है, तो आप लोग लोन वुल्फ में भी अकेले भी कॉइन्स इकट्ठे कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा चीज है। एंड हाँ, एक और अच्छा चीज है, वो सब्सक्राइब बटन कर दो यार, यहां तक देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है यार, 3 मिलियन के बहुत करीब है। आई लव यू सो मच यार, कर दो। फर्स्ट नंबर पे मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ गाइस। मैंने ना 3 से 4 मिनट के अंदर भाई 1 लाख कॉइन कमाए हैं। आप लोग बोलोगे भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, लेकिन मुझे मनाना है, तुम लोग को बताना है कैसे पॉसिबल है ये। अब देखो, नए प्लेयर्स की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जितने भी ओल्ड प्लेयर है ना भाई, बस एक बार तुम लोग को अपना वॉल्ट खोलना है। एंड वॉल्ट खोलने के बाद ना वो अदर्स वाले ऑप्शन पे जाकर के वो बॉक्स वाले ऑप्शन पे जाना है। एंड अगर तुम लोग के पास ये बॉक्सेस हैं तो भाई तुम लोग भाई लखपति हो, मैं अभी से बता रहा हूँ कॉइन्स में। और जिनके पास भी ये बॉक्स नहीं है ना, टेंशन मत लो, तुम लोग को एक आइडिया बताऊंगा कि तुम लोग कैसे ले सकते हो ये बॉक्सेस। उससे पहले ही बताता हूँ कि इसको ओपन कैसे किया मैंने, कि मेरे को लाखों कॉइन मिल गए। देखो, मैंने यहाँ पे ना एक एक करके ओपन किया। सबसे पहले मुझे 100 मिला, एंड उसके बाद मैं फिर से ओपन करूंगा, देखना है मुझे कितना मिलेगा। मुझे 500 मिला, लिटरली भाई एक एक करके ओपन करना है भाई। यहाँ पे फिर से 500 मिला, अभी देखना तुम, अभी देखना, लिटरली 100 मिला ना, अब यहाँ पे मेरी किस्मत खुलने वाली है भाई। फिर से 500, अभी तुम लोग देखते रहना, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे मिलेगा सीधे 10,000, लिटरली भाई मुझे 10,000 कॉइन मिल गया। और तुम लोग को लगता है ये इजी है, नहीं भाई, तुम लोग को एक एक करके ही ओपन करना है। और ये बॉक्स कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। उससे पहले देखो, यहाँ पे सिर्फ एक बार ही 10,000 मिला, मुझे और भी बहुत बार मिला है, ठीक है। एंड इसी तरीके से मैंने इस सबको ओपन कर दिया। एंड गाइस धीरे धीरे ना, मैंने लास्ट में जब 10 बॉक्स बचे मेरे, एंड उसके बाद मैंने क्या पता है क्या किया, उसके बाद मैंने सबको एक साथ ओपन किया और मुझे मिला यहाँ पे 23,000 कॉइन्स भाई। अब तुम लोग को ना मुझे सच्ची सच्ची कमेंट में बताना है कि टोटल मुझे कितने कॉइन मिले हैं। जो बताएगा ना भाई, लिटरली मेरी तरफ से गिली चुम्मी है। तो मैं देखना चाहता हूँ कमेंट में कि कौन कौन सच बताएगा, तो फटाफट कमेंट कर दो कि कितने कॉइन्स मुझे मिले इनमें से। और अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि तुम लोग कैसे ये बॉक्स ले सकते हो। देखो गाइस, ये ना बहुत पुराने बॉक्सेस है, लेकिन फ्री फायर अभी भी इनको देता है, लेकिन ऐसे ही नहीं देता है, आपको ना उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेवल पुश करना होता है। यस गाइस, ये लेवल पुश का बॉक्स है। तुम लोग समझ ही सकते हो भाई, 1 लाख कॉइन कमाना इतना इजी नहीं होता है, इसीलिए फ्री फायर ने इसको लेवल पुश में डाल दिया है। तो अगर आप लोग लेवल में 15-16-20 सत करते जाते हो ना, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये बॉक्स मिलते जाएंगे। एंड उसके बाद जब इसको कलेक्ट कर लोगे, आपका मतलब समझ लो भाई एक नया आइडिया, तो उसमें 20-30 लेवल तो इजीली बढ़ा ही सकते हो। एंड उसके बाद 20-30 बॉक्स मिल जाएंगे आपको, एंड उसको एक साथ ओपन कर देना, इस तरीके से आपको भी लाखों कॉइन मिल सकते हैं। एंड देखो गाइस, ये चीज ना लिटरली भाई लेजिट मैंने खुद ट्राई किया, आप लोग के सामने मैंने करके दिखाया है। तो तुम लोग मुझे कमेंट बताना कि भाई कैसी लगी वीडियो। अगर तुम लोग को थोड़ा सा ही पसंद आया ना, तो भाई प्लीज रहम करो, लाइक कर दो भाई एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 3 मिलियन के बहुत करीब आ चुके हैं। एंड हाँ, स्क्रीन पे अगर तुमको कोई भी वीडियो देख रहा है, बस इस पे एक पप्पी दे दो, क्लिक करो इस पे, भाई ये मैं ही हूं, ठीक है।